भाईदूज के मौके पर चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंदियों से मुलाकात को आई बहनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सुबह से बहनों ने जेल पहुंचकर भाइयों को मंगल तिलक किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। गुब्बारों और झालरों से मुलाकात स्थल को सजाया गया, जहां त्योहार का अलग नजारा देखते ही बन रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल पुलिसिंग के निर्देश का पालन करते हुए जिला जेल में बंद ऐसी 7 महिला बंदियों जिनके भाई नहीं थे, उनसे जेल अधीक्षक राकेश कुमार, जेलर राकेश वर्मा, जेलर मनीष कुमार, डिप्टी जेलर नवीन कुमार, विक्रम सिंह, अरविंद कुमार समेत जेल कर्मचारियों ने भाई का दायित्व निभाया। महिला बंदियों ने जेल अफसरों को तिलक किया और मुंह मीठा कराया। जेल मुलाकात स्थल पर बहनों की भीड़ ना लगे और उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 3 काउंटर बनाकर महिला मुलाकातियों के लिए जेल मुलाकात मोहर लगाने की व्यवस्था की गई थी। भीड़ नहीं लगने दी और जेल में बंदियों से मुलाकात में कोई परेशानी नहीं आने दी। सबसे पहले तो इस अवसर पर, भैया दूज के अवसर पर सभी बहनों को और जो हमारे बंदी भाई कारागार में निवृत्त हैं, उनको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे वो अभी भैया दूज अपने घर परिवारजन के पास के साथ जिला कारागार से रिहा होकर के बाहर मनाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार चूंकि वैश्विक महामारी के बाद ये पहली भैया दूज हो रही है कि जिस पे विशेष व्यवस्था की गई है, जो बाहर से बहनें आ रही हैं या छोटे बच्चे जो उनके साथ आ रहे हैं, उनके लिए चाय, पानी, बिस्किट्स और छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कारागार परिसर के बाहर गेट पर की गई है। अंदर सभी बहनों को और बंदी भाइयों को विधिवत बिठा करके और टीका, तिलक, अक्षत, रोली और मिष्ठान की कारागार प्रशासन की तरफ से पूर्ण व्यवस्था की गई है। लगभग 600 बंदियों से 1200 महिला बंदी भैया दूज का टीका लगा चुकी हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहनें अपने भाइयों का तिलक करने के लिए कारागार के बाहर क्यू में लगी हुई आ रही है कारागार पर